जैसे आपको बताना चाहूँगा ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 11 से 12th में गए हैं उनके लिए जो फिजिक्स है, जैसे आपने 11th में फिजिक्स को दो पार्ट में पढ़ा था, इसी तरह से जो आप 12th में जाएंगे वहाँ भी आपको दो पार्ट में फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र से शुरू होता है, और इस चैप्टर से लेकर के आपको एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा तक पूरा एक आपका फर्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद जो आपका जैसे मैंने आपको बताया वैद्युत आवेश से चैप्टर स्टार्ट होगा, और आपका एसी करंट तब ये फर्स्ट पार्ट होगा फिर क्लास 12th फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट। इसी क्रम में मतलब अभी बताया मैंने क्या होगा प्रत्यावर्ती धारा। इसी तरह से जो क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे जो सेकंड पार्ट होगा फिजिक्स का वो आपका लाइट यानी प्रकाश से स्टार्ट होगा पहला चैप्टर, और ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस चैप्टर तक आपका सेकंड पार्ट होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहां पर वो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, और उस फर्स्ट पार्ट में जो पहला लेसन है वो है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोग जिसको इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा बचपन से लेकर के, और घरों में जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं लाइट पर्पज के लिए वो क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिकों की बहुत ही भूमिका रही है, उन्हीं की देन है कि आज आप घरों में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके बहुत ढेर सारे डिवाइसेस को चलाते हैं और अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी का जन्म कैसे हुआ, लोगों ने इसके बारे में खोज कैसे की, इसको हम लोग जो है विस्तार से वन बाय वन स्टेप में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ छोटा सा एक, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी जिसको आप कहते हैं विद्युत कहते हैं या बिजली एक सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कहते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, इसको देखा नहीं जा सकता, ये केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव कैसे करेंगे कि जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी के दो वायर होते हैं, उन वायरों को अगर आप गलती से टच कर देते हैं तो आपको तेजी से उसका शॉक लगता है, झटका लगता है, तो शॉक से आपको पता चलता है कि हम इसको केवल अनुभव कर सकते हैं देख नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी देखा नहीं जा सकता है। अब बात आती है इसकी खोज के पीछे किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा, तो आज आपको बताना चाहूँगा आज से बहुत दिनों पहले यानी करीब 600 ईसा पूर्व एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या किया था कि दो भिन्न भिन्न पदार्थों को लेकर के यानी दो भिन्नों और पदार्थों को लोग लेकर के आपस में क्या किया, उनको रगड़ा, रगड़ने का मतलब एक दूसरे की रबिंग की, तो कुछ समय के बाद उनको जब आपस में रगड़ा तो उनमें एक परिवर्तन उनको देखने को मिला कि दोनों जो भी भिन्न भिन्न पदार्थ थे रगड़ने के बाद उनको जब हम किसी अन्य तीसरे पदार्थ के पास ले जाते थे, जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो गए आपके कागज के टुकड़े हो गए आपके बाल हो गए, इस तरह से इनके पास ले जाने पर ये छोटी छोटी बारीक जो चीज़ें होती थी वो क्या हो रही थी, एक दूसरे से चिपक जा रही थी।
तो थेलसन ने सोचा कि जब हम दो भिन्न पदार्थों को रगड़ते हैं तो ऐसा क्या गुण उत्पन्न होता है जिससे कागज के तिनके हो गए और अन्य पदार्थ जो हैं आपस में ये पदार्थ चिपक जाते हैं। तो थेलसन ने इसके पीछे बहुत ही दिनों तक सोच विचार किया, लेकिन किसी नतीजे पर थेलसन नहीं पहुंच पाए। थेलसन जैसे वैज्ञानिकों ने एक थिंकिंग सोची कि कौन सा गुण है, लेकिन उस गुण को पहचानने में असफल रहे। और करीब बहुत समय बीत गया और काफ़ी समय बीतने के बाद आपको बताना चाहूँगा, एक साइंटिस्ट आए, वो उन्होंने उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने थेल्स के किए गए प्रयोगों को एक बार उठाया और उन्होंने देखा कि थेल्स ने जो बातें कही थी और जहाँ पर अधूरी छोड़ दी थी वहीं पर उन्होंने फिर से दोबारा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने भी देखा जब टू डिफरेंट मटेरियल आर रबिंग टू ईच अदर, यानी जब दो डिफरेंट मटेरियल को हम एक दूसरे से रगड़ते हैं तो वही गुण जो थेल्स ने देखा था वही गुण बेंजामिन फ्रैंकलिन को देखने को मिला। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने को जब इस गुण का वो देखा तो उसकी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बढ़ने लगी और इस तरह से बहुत से पदार्थों को लेकर के उसने आपस में रगड़ना शुरू किया। और रगड़ने के बाद वो देख रहा था कि उनके अंदर एक गुण उत्पन्न हो रहा है और इस गुण के कारण जब दो भिन्न पदार्थों को किसी छोटे छोटे हल्के कागज के तिनके हो गए इन सब के पास ले जाते हैं वो क्या हो रहे थे, या एक दूसरे की तरफ या चिपक जा रहे थे या तो दूर हट रहे थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काफ़ी समय तक प्रयोग करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला और कहा कि जब भी हम दो डिफरेंट मटेरियल को यानी दो भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच जो गुण उत्पन्न होता है इस गुण को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा इस गुण जो उत्पन्न हो रहा है ये एक प्रकार का क्या है, आवेश है। और कहा कि जब भी हम दो भिन्न पदार्थों को रगड़ते हैं तो दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। अब आवेशित कैसे वस्तुएं होती हैं, एक नया शब्द उत्पन्न होकर गया है, आया आवेश। आवेश आवेश से ही आवेशित बना है, यानी दोनों ही वस्तुएं जो रगड़ी गई हैं उन पे क्या होता है, आवेश एकत्रित हो जाता है। अब इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि जब दो भिन्न पदार्थों को रगड़ा गया तो एक पदार्थ को उसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के लिए उसने तीसरे पदार्थ के पास ले जाने पर, जैसे मैंने आपको बताया छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं तो उसमें कुछ पदार्थ खींच रहे थे और जो दूसरी भिन्न पदार्थ लिया गया था उसकी तरफ कुछ पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े क्या हो रहे थे, दूर हट रहे थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये नहीं समझ में आ रहा था ये किस वजह से हो रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये अनुमान लगा लिया, हो सकता है कि जब हम दो डिफरेंट मटेरियल को आपस में रगड़ रहे हैं और इन पे जो आवेश आ रहा है, हो सकता है कि आवेश इन पे जो हो रहा है वो डिफरेंट नेचर के हो। डिफरेंट नेचर का मतलब उनका एक पे हो सकता है एक अलग टाइप का चार्ज हो और एक दूसरे पर एक अलग टाइप का चार्ज हो, यानी भिन्नता बताया उसने, यानी अलग अलग टाइप का, तो इसी से रिलेटेड। और फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट बताया कि अगर हम एक कांच का रॉड ले लें, ये है आपका कांच का रॉड, रॉड का मतलब एक समझिए, और इसको क्या किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एक रेशम एक तरह से नी पदार्थ होता है, इससे क्या किया काफी समय तक इससे रबिंग की, रबिंग मतलब काफी समय तक इसको रगड़ा और रगड़ने के बाद क्या किया इन दोनों में दोनों ही वस्तुएं क्या हुई, पदार्थ आपस में क्या हुई, आवेशित हो गई। आवेशित होने पर क्या किया उन्होंने,
कि इन दोनों ही पदार्थों के बाद जो छोटे छोटे टुकड़ों को ले जा रहे थे, कागज के तिनके हो गए, बाल हो गया, तो वो सभी क्या हो रहे थे, इनके पास या तो खींच रहे थे या तो उससे दूर जा रहे थे। फिर इसके बाद एक फिर अन्य पदार्थ दिया, जैसे कांच की छड़, मैंने यहाँ चर्चा किया है, कांच की छड़ के बाद एक अगर हम ये आबनूस इसे कहते हैं, आबनूस की छड़। इस छड़ को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक फर से रगड़ दिया। फर का मतलब एक तरह से खाल होता है, ये भी खाल का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो इस पर रगड़ने पे क्या पाया गया कि आबनूस की छड़ को फर यानी खाल से रगड़ने पर ये दोनों पदार्थ की क्या हो गए, आवेशित हो गए। तो इन दोनों पदार्थों के पास छोटे छोटे टुकड़े पानी या छोटे छोटे टुकड़े, जैसे बाल हो गया आपका, कागज के तिनके हो गए, इनको ले जाने पर वही प्रॉपर्टी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऑब्जर्व किया कि इनके पास छोटे तिनके जैसे पदार्थ या तो खींच रहे थे या तो दूर जा रहे थे। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि दोनों का कंपेरिजन किया छोटे छोटे तिनकों से, तो देखा जो नेचर था, नेचर का मतलब जो खींचना हुआ या दूर जाना हुआ, इन दोनों पदार्थों के पर एक भिन्न आ रहा था। भिन्न का मतलब अगर यहाँ पर कोई भी छोटा एक पदार्थ इनका अगर मान लीजिए पास आ रहा है और इससे यहाँ पर दूर जा रहा है, तो यहाँ पर अलग सी प्रॉपर्टी देखने मिल रही थी, यहाँ पे दूर जाने की प्रॉपर्टी हो रही थी और इस फल के पास पास जाने की प्रॉपर्टी हो रही थी। तो ये एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट दिख रहे थे उसको। उसने ये अनुमान लगा लिया पूर्ण रूप से, जो उसने ऑब्जर्व किया था कि हो सकता है कि जो चार्जेस हमारे आवेश हैं जिसे हम कह रहे हैं, हो सकता है कि वो अपोजिट हो, तो अपोजिट मतलब एक दूसरे से नेचर में भिन्न हो। उसका प्रूफ उसको मिलने धीरे धीरे मिलने लगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उसने एक तरह से थोड़ा सा उसके अंदर और मजबूती आ गई कि हाँ हो सकता, और लग रहा है कि जो चार्जेस है उसके नेचर क्या है, डिफरेंट है। इसके बाद क्या किया, जैसे यहाँ पर कांच की रॉड है, यहाँ पे आबनूस की रॉड है, उसने क्या किया कि कांच की ये जो रॉड है, कांच की छड़, और फिर क्या किया, इसी के पास ही एक क्या किया, उसने ये आबनूस की जो छड़ थी उसको लटका दिया, और लटकाने के बाद उसने ऑब्जर्व क्या किया कि इनके आवेशों में उसको भिन्नता मिली। भिन्नता का मतलब क्या हुआ कि जैसे इस आबनूस की छड़ को जब इसके करीब ले जा रहे थे तो ये आपस में उसने पाया कि ये आकर्षित हो रहे थे। इसी तरह से अगर हम फर को और रेशम को एक दूसरे के करीब ले जा रहे थे, उसने ये भी और देखा कि ये भी जैसे एक दूसरे की तरह आकर्षित हो रहे थे। तो अभी यहां पर उसको ये ऑब्जर्वेशन नहीं मिला कि प्रतिकर्षण भी देखने को, उसने सोचा कि प्रतिकर्षण भी नहीं हो रहा है, तो उसने फिर क्या किया कि एक कांच की रॉड को जिसको उसने रेशम से रगड़ा था, सेम इसी प्रकार से एक कांच की रॉड और ले लिया और उसको रेशम से फिर से रगड़ दिया। रेशम से रगड़ने के बाद इस अब इसने क्या किया कि कांच की जो छड़ थी उसने दो कांच की छड़ को इससे रगड़ दिया रेशम से, और रेशम से रगड़ने के बाद किया कि उसने एक दूसरे से ऐसे लटकाने के बाद एक दूसरे के जब करीब वो लाने लगे तो उनको ये आभास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। प्रतिकर्षित का मतलब रिपल्सन होता है उनके बीच में।
यानी इससे उसने ये डिटरमिन किया, पता लगाया कि अगर एक ही पदार्थ, यदि एक पदार्थ की दो चीजों को लेकर के, जैसे अब उसकी का छड़ है, इसके को इसने दो बार पकड़ करके दोनों अपनों की छड़ को लटका दिया और दूसरा जो अन्य पदार्थ था वो रेशम था, तो उसने यह अध्ययन किया कि रेशम, सॉरी, ये जो पांच की छड़ है, इन छड़ों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो उसने देखिए प्रतिकर्षित करते हैं, उसने कहा कि अगर हम फर से आबनुस की दो रॉटों को रगड़ते हैं तो उनके बीच में भी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, दो रॉटों रॉडे ली आबनुस की, उनको रगड़ने के बाद ऐसे उसने हैंग कर दिया, और हैंग करने के बाद उसने क्या देखा, जब इन दोनों को एक दूसरे के नियरेस्ट में जा रहे थे तो इनके बीच में क्या उसने पाया कि ये भी क्या हो रहे थे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे थे। ये दोनों क्या हो रहे थे, दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे थे। तो इससे उसने डिटरमिन कर लिया कि कांच की छड़ पर जो चार्ज आया होगा उसका नेचर एक जैसा होगा, और जो आपका आबनुस की छड़ है उस पे जो चार्ज आया है उस पे नेचर एक जैसा होगा। तो इसको उसने क्या किया, यहाँ से रिलेट करके देखा, यानी जो कांच की ये छड़ है और एक दूसरी मैंने आपको बताया कि आबनुस की छड़, तो ये आपकी आबनुस की छड़ थी। अब इसमें देखिए दोनों ही अभी क्या है, कांच की छड़ है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ये क्या है, आबनुस की छड़ है, इसमें भी क्या हो रहा है, आपका प्रतिकर्षण हो रहा है, ये दोनों को देखने को मिल रहा है। तो उसने क्या किया कि यहाँ से कांच की छड़ और यहाँ से आबनुस की छड़ को एक ऐसे लटका करके दोनों को पास जब ले आ रहे थे तो ये वाली प्रॉपर्टी फिर देखने को मिल रही थी आकर्षित का। तो उसने डिटरमिन कर लिया कि तो कि इन दोनों अगर ये आकर्षित कर रहे हैं तो एक पे अलग चार्ज हो सकता है और दूसरे पे क्या हो सकता है, अलग चार्ज हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि ये दोनों प्रतिकर्षित हो रहे हैं, तो प्रतिकर्षित मतलब इन पे हो सकता है कि इनकी क्वालिटी एक ही जैसी हो, यानी एक सजाती नाम उन्होंने उत्पन्न किया, इस पे जो चार्जेस होंगे हो सकता है एक ही जैसे हों, और यहाँ भी उन्होंने कहा कि चार्जेस हो सकता है एक ही जैसे हों, तभी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आकर्षित और प्रतिकर्षण और का ये दो शब्दों का वहाँ पर नया उदय हुआ, और इससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इसको बताया कि आकर्षण और प्रतिकर्षण शब्द का यूज किया, नहीं तो इससे पहले आकर्षण प्रतिकर्षण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लोग यही कह रहे थे कि पास आना और दूर हटना, दूर हटने को प्रतिकर्षण से संबोधित किया और पास आने को आकर्षण शब्द से उसने बताया, डिनोट किया। इसके बाद आपको बता दूँ कि उसने ये डिटरमिन कर लिया कि यहाँ से जब अलग अलग करके एक क्षण एक दूसरा क्षण यानी कांच की छड़ और आबनुस की छड़ को पास करने का आकर्षण हुआ, तो उसने नेचर डिटरमिन कर लिया कि दोनों में चार्जेस की क्या है, नेचर की डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हैं। तो उसने ये बताया कि कांच की छड़ को उसने एक जो चार्जेस आए हैं उसका नाम उसने दे दिया विट्रस। क्या नाम दिया, विट्रस। और जो आबनुस की छड़ थी इस पे उसने जो चार्ज को बताया उसने कहा इस पे इसका नामकरण किया, कहा इस पे जो आवेश होगा चार्ज होगा उसका नाम रखा रेसी नस आवेश। यानी अब जो उसने नेचर को जब उसने पहचान लिया तो नेचर एक पे चार्ज के नेचर को उसने विट्रस चार्ज नाम दे दिया और दूसरे को रेसिनस यानी रेसिनस चार्ज नाम दिया। और ये नाम काफी दिनों तक विट्रस यानी चार्जेस को हम दो तरह से नेचर में जानते थे,
विट्रस और रेसिनस, और काफ़ी लंबे दिनों तक ये विट्रस और रेसिनस चलता रहा। अभी आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से विट्रस और रेसिनस का काफ़ी दिनों तक चर्चित रहा और चर्चित के बाद कैसे इसका नाम चेंज हुआ और कैसे इसको क्लासिफाई किया गया, अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस